अध्यात्म की शुरुआत या आध्यात्मिक जीवन की जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वो चरित्र निर्माण पे टिकी है। इसीलिए अगर आप देखें तो अष्टांग योग जो बना भारत में, महर्षि पतंजलि ने जो बनाया, उसके जो पहले दो चरण हैं वो यम और नियम हैं। उसके बाद आगे जाके आसन, प्राणायाम और वो सारे जो जिसको हम योग समझते हैं वो आता है। बट ये शुरुआत होती है क्योंकि अष्टांग योग एकदम आध्यात्मिक प्रोसेस है, इसलिए उसकी शुरुआत भी यम नियम से होती है। बट अमूमन मैं देखता हूं कि यम नियम पे हमारा ध्यान सबसे कम रहता है और हम सीधा आसन प्राणायाम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, हम जाना तो सत्य की ओर चाहते हैं, आनंद की ओर चाहते हैं, बट हम, हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, वो सब असत्य से जुड़ा होता है, हमें असत्य की तरफ खींचता है। तो एक द्वंद्व चलता है जीवन में, जाना सत्य की ओर है बट आदतें और वो सब जो मुझे असत्य की ओर खींचती हैं, या मेरा चरित्र जो उस सत्य को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रांग एनफ नहीं है, वो मुझे असत्य की तरफ खींचता है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो जरूरी है थोड़ा सा हम चरित्र यानी कैरेक्टर को समझते हैं। चरित्र की बुनियाद क्या है? आपका जो भी कैरेक्टर है आज, उसकी बुनियाद क्या है? कभी आपने देखा इसको ध्यान से, किस पे खड़ा है चरित्र? आपके चरित्र की बुनियाद है आपकी आदतें। जी, आपके चरित्र की बुनियाद है आपकी आदतें, आपके आदतों की बुनियाद है आपकी क्रिया, क्रिया जो आप बार बार करते हैं, कर्म जो आप बार बार दोहराते हैं, ये आपकी आदतों की बुनियाद है। और क्रिया की बुनियाद है आपके विचार, आपकी सोच। यहां से ये सब प्रोसेस शुरू होता है। तो हम अपनी क्रियाओं, अपनी आदतों, अपनी सोच के गुलाम होके, जिस तरह की हमारी सोच होगी वैसे ही हम कृत्य करेंगे। जैसे कृत्य करेंगे उनको बार बार दोहराएंगे, वो हमारी आदतें बन जाएंगी। इनको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस हैबिट, यानी आपके जानने बिना भी वो काम चल रहा है आपके थ्रू, आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये गुलामी की अवस्था है और इससे हमारा चरित्र बनता है, जो भी चरित्र बनता है। तो हमारा चरित्र अगर आप देखें तो असत्य का गुलाम हो गया है, झूठ का गुलाम हो गया है, आदतों का गुलाम हो गया है, मोह का गुलाम हो गया है, छोटे छोटे प्लेजर्स का गुलाम हो गया है, तमस का गुलाम हो गया है, कल कर लेंगे का गुलाम हो गया है। ये कहाँ से आई सारी जो गुलामी हमारे चरित्र में आई, या ये जो त्रुटियां हमारे चरित्र में आई? शुरुआत हुई आपकी सोच से। सोच को बदलेंगे तो चल के चरित्र बदला जाएगा। आपके प्रश्न में ये दिख रहा है कि आप सोच बदलने को तैयार हो, आप अपने विचारों पे काम करने को तैयार हो। उसी से तो विचार उत्पन्न हुआ होगा कि ये चरित्र मुझे सत्य की दिशा में नहीं लेके जा रहा, जैसा अभी तक मैंने चरित्र का निर्माण किया है। इसको सुधारना होगा, इसका निर्माण फिर से करना होगा वहीं से। तो देखना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से ये सोच उत्पन्न हुई, ये एक विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार से आपने कृत्य किया, आपने उसको लिखा, आपने स्वयं से मनन किया उसके ऊपर, आपने लिखा उसको, और अब लिख के आप उसके बारे में पूछ रहे हो। ये उस विचार से, उस ऑब्जर्वेशन, उस विचार से शुरू हुआ था। ये रूट होता है, जैसा मैंने बोला, जब आंख खुले तभी सवेरा। अब जब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, चरित्र का आधार आदतें, आदतों का आधार क्रियाएं, क्रियाओं का आधार विचार, अब जब ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो नए चरित्र के निर्माण करने का, एक अद्वितीय दैविक चरित्र का निर्माण करने का। आइडेंटिफाई करना आपकी, जैसा मैंने बोला, आदतें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। आदमी आदतों का गुलाम है। पूरा जीवन अपना देखो या किसी और का देखो,
सर्टेन हैबिट्स हैं, कुछ आदतें हैं जिनके वश आपका पूरा दिनचर्या पूरा जीवन चलता है, इनमें सुधार करना शुरू करेंगे तो एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। कैसे? सरल सा एग्जाम्पल, आप रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, ये एक आपकी आदत बना हुआ है, और फिर आप अपनी डेली एक्टिविटीज में लग जाते हैं, काम पे जाते हैं, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है। फिर आपको लगता है मुझे चिंतन मनन ध्यान स्वाध्याय का तो समय नहीं मिला। अब ये आदत है जो आपको एक ऐसे चरित्र का निर्माण नहीं करने दे रही जो श्रमी हो, जिसमें आत्मसंयम हो, जिसमें बल हो, जो बोले नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना शुरू करना है ताकि मैं अपने ध्यान, अपने पूजा पाठ की जो भी विधि है, अपने नाम जप की जो भी विधि है, मैं उसको करके उसकी ऊर्जा का विस्तार पूरे दिन में करना चाहता हूं। इसकी शुरुआत कहां से होगी? ऐसे चरित्र के निर्माण की शुरुआत कहां से होगी? जब आप ये तमस की आदत को छोड़ेंगे, अपने उठने का समय थोड़ा प्रीपोन करेंगे, 7 को 5 बजे बनाएंगे, क्योंकि अब आप अमृत काल में उठ रहे हो। अब ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा आपकी मदद कर रही है, आपके आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण करने में ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा, ये सुबह के क्षण सूर्योदय से पहले ये मदद कर रही है आपकी, आप उसका लाभ उठाओ। छोटी छोटी आदतों में संशोधन करके आप एक बड़े सुंदर चरित्र का निर्माण कर पाओगे। इस बात को बहुत बांध लो, आदतों की गुलामी है आदमी, आदतों में संशोधन करके ही उसकी दिनचर्या, उसके एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा। दूसरी बात, बहुत बल है आदमी के पास, कमजोर मत समझो अपने आप को। जो ठान लिया, जिस चीज की प्रतिज्ञा ले ली, ये पूरा जगत जुट जुट जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए। तो प्रतिज्ञा ले लो, आज इस सत्संग के बाद इसको सुन के तुमने पहले लाइन बोली कि चरित्र मेरा ठीक से निर्माण नहीं हुआ, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमने बात शुरू की है, इसको बदलते हैं, अपने बल को समझते हैं, ईश्वर की शक्ति को समझते हैं कि जहां इन्वोक की ईश्वर की शक्ति काम बन गया, अपने बल पे आपको बहुत विश्वास हो, इस बल को जिस दिशा में लगाओगे उस दिशा में जीवन की ऊर्जा बहने लगेगी, विल पावर इसको बोलते हैं। इस विल पावर का उपयोग करके प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञावान बनो, और छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से शुरू करना, कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मत लेना। गलती हम ये करते हैं, हम बड़ी प्रतिज्ञा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे आज से सत्य बोलूंगा, ये बड़ी प्रतिज्ञा ले ली आपने। सत्य बोलना चरित्र निर्माण का अहम अंग है, बट ये एकदम से डे वन पे आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि रोज जीवन में, रोज दिन में 500 बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप आदतवश झूठ का सहारा ले लेते हो अपनी वाणी में, आदतवश। अब ये जितनी बार आप झूठ का सहारा ले रहे हो, उस हर बार आपको अवेयर होना है, और अगर बड़ी प्रतिज्ञा ले ली कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सत्य ही बोलूंगा, और उसके बावजूद भी दिन में 2, 4, 5 बार झूठ निकला आपके मुख से, आपकी विल पावर और आपका मोटिवेशन टूटने लगता है, आपके मन में ये बात, आपका दिमाग, आपका मन आपको ये विश्वास दिलाने लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। देखा कभी ऐसा करके तुमने? मन बार बार तुम्हें बोलता है कि यार ये मैं करना तो चाहता हूं बट हो नहीं पा रहा है मुझसे, वो तुम्हें नेगेटिव में लेके जाएगा, वो तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बलहीन हो। ये ट्रिक है माइंड की, मन की ये ट्रिक है तुम्हें उलझाने की। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुमने डे वन पे, अभी तो फाउंडेशन बनाने का समय है, तुमने बड़ी प्रतिक्रिया ले ली। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, छोटी छोटी प्रतिज्ञा लो, जैसे तुम्हें चाय पीने का बहुत शौक है, तुम प्रतिज्ञा लो
आज सुबह से शाम तक चाय नहीं पीऊंगा। छोटी प्रतिज्ञा, कोई बड़ी बात नहीं कर ली तुमने, बट इस प्रतिज्ञा को जब तुमने साधा और शाम तक तुमने चाय नहीं पी, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हृदय को दिखा कि ये आदमी बलवान है, तो तुम्हारे चरित्र में बल ऐड हो गया। तुम बात समझ पा रहे हो? तुम्हारे चरित्र में मैं अपनी बात का अडिग हूं, सत्य बोलता हूं और उस सत्य के साथ जीता हूं। इस बात ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया, तुम्हारे चरित्र में एक क्षमता आ गई, एक बल आ गया। तुम्हें लगा कि तुम भी सत्यवान हो सकते हो एक छोटी प्रतिज्ञा लेके। तो इसी तरह छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लेना शुरू करो, छोटे से ही बड़ा बनता है। फिर इन प्रतिज्ञाओं को थोड़ा बढ़ाना, इस एक दिन चाय ना पीने को 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना, इसको धीरे धीरे बढ़ाना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो गए। इस धीरे धीरे एक एक बूंद को जब अपने चरित्र में संयम में लाना शुरू करोगे, तो तुम देखोगे बात बनने लगेगी, चरित्र बलवान होने लगेगा, चरित्र की पुरानी आदतें, तमस की आदतें टूटने लगेंगी, तुम स्वयं के मालिक बनने लगोगे, आदतों से मुक्त होने लगोगे। स्वयं की मालकियत है यहां इंपॉर्टेंट। जिसका चरित्र बलवान होता है, आध्यात्मिक दैविक होता है, उसको तुम देखोगे वो स्वयं का मालिक है। वो किसी चीज, किसी विषय वस्तु, किसी विचार, किसी परिस्थिति का अधीन नहीं होता है, उसकी मालकियत अपने ऊपर होती है। ये है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया। धीरे धीरे इस बात को समझो, धीरे धीरे इस बात को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बिल्ड करना शुरू करो और देखना फिर साथ में आनंद प्रवेश करने लगेगा चरित्र में। इस चरित्र निर्माण को संघर्ष मत बनाना, ये संघर्ष का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है। इसको ऐसा समझो, तुम्हारा चरित्र एक मंदिर है और तुम्हें सेवा मिली, रोज सुबह इस मंदिर जाके अपने प्रिय कृष्ण का, अपने शिव का, अपने हनुमान का, अपने राम का श्रृंगार करने की तुम्हें सेवा मिली है। उस मंदिर में जो मूरत है तुम्हारे देवता देवी की, उसका श्रृंगार करने की। संघर्ष से तो नहीं करोगे इस श्रृंगार को, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत प्रार्थना पूर्ण जाओगे, मंदिर में प्रवेश करोगे, झाड़ू लेके धीरे धीरे धूल धपट हटाने लगोगे मंदिर की, प्रेम पूर्वक, हर समय ईश्वर का ध्यान करते हुए तुम ये सारा मंदिर की सफाई करोगे, पुराने सूखे फूल हटाओगे। धीरे धीरे, तुम जल्दबाजी में नहीं करोगे ये काम। नए फूलों को, नए जल से अपने अपने शिव का फिर से तुम श्रृंगार शुरू करोगे, नए फूल अर्पित करोगे, नई ज्योति अर्पित करोगे, नई धूप अर्पित करोगे, नए फल अर्पित करोगे और एक सुंदर श्रृंगार करोगे। तो चरित्र निर्माण को भी इसी तरह से देखना, संघर्ष का विषय नहीं है, श्रृंगार का विषय है। जिस चीज को भी, जिस काम को भी प्रेम और सुंदरता से शुरू करोगे, तो प्रेम और सुंदरता ही उसका परिणाम भी बनेगी। जहां से शुरू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता से शुरू करो इस प्रक्रिया को, प्रेम से शुरू करो। जब तुम्हें जीवन में डिसिप्लिन भी साधना है, क्योंकि डिसिप्लिन चरित्र का एक बड़ा अहम अंग है, उस डिसिप्लिन को भी संघर्ष से मत साधना, प्रेम प्रतिज्ञा प्रार्थना से साधना। अगर डिसिप्लिन बनाना है रोज सुबह 5 बजे उठने का, तो प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा के साथ, प्रार्थना के साथ, तो तुम देखोगे बात बनने लगेगी। क्योंकि संघर्ष सस्टेनेबल नहीं होता है, ये संघर्ष की प्रॉब्लम है। एक बार, 2 बार, 3 दिन तो तुम संघर्ष कर पाओगे अपनी वृत्तियों से, अपनी आदतों से, अपने तमस से,
बट तुम इस संघर्ष को सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे भीतर युद्ध छिड़ा रहेगा हर समय। उस रास्ते नहीं जाएंगे, ऊर्जा लीक होने लगती है उस रास्ते में, संघर्ष ऊर्जा को खींचने लगता है। तो प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना के मार्ग से चल के इस चरित्र का धीरे धीरे निर्माण करेंगे। और तुम देखना, फिर ईश्वर की प्रकृति की पूरी शक्ति तुम्हारे ही चरित्र का निर्माण करने में लगेगी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भला है, दैविक उद्देश्य है तुम्हारा। तुम चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक जीवन के लिए कर रहे हो, ये दैविक उद्देश्य हो गया। दैविक उद्देश्य जब भी साथ हो गए तो दैविक शक्तियां भी आके उस उद्देश्य में तुम्हारी मदद करेंगी। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर धीरे धीरे निर्माण की प्रक्रिया शुरू करो, पूरा जगत, पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। धन्यवाद।